नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल जिसका नाम है एग्जामक्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है अनवर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसी में मैं आपको मोस्टली 25 अनवर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा जो SSC CGL मेंस में आ सकते हैं और CPO SI में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन टू रिनाउंस अ वर्ल्ड एंड प्रैक्टिस हर डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेंड सेवेंशन। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो दुनिया को त्यागता है और उदार ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं अनुशासन का अभ्यास करता है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ए सेप्टिक एंड नास्तिक, बी एसेटिक एंड तपस्वी, सी डेविटी एंड भक्त, और ए डी एंटीपीरियन यानी पुरातात्विक। तो इस कॉन्टेंट में हम अगर देखते हैं तो इसका आंसर बी है, क्योंकि जो तपस्वी होता है वो ज्ञान प्राप्त करता है, दुनिया को छोड़ देता है, जबकि नास्तिक भगवान विश्वास नहीं करता है, भक्त भगवान विश्वास करता है, पुरातात्विक मतलब पुरानी चीजों को खोजता है। तो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, ए हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। एक व्यक्ति जो पढ़ना और सीखना से नफरत करता है उसे क्या बोलते हैं? इलिटरेट निरक्षक, बिब्लियोफाइल यानी पुस्तकों से प्यार करने वाला किताबी कीड़ा, मिस लोगोस यानी विद्या द्वेषी, और मिसोग्नेसी यानी स्त्री जाति से द्वेष करने वाला। तो इसका आंसर है मिस लोगोस यानी जो विद्या पढ़ाई से नफरत करता है, द्वेष मतलब नफरत करने वाला, उसे कहते हैं हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, मेनिया ऑफ स्टीलिंग आर्टिकल, जो किसी का आर्टिकल चुराता है उसे क्या बोलते हैं? तो याद रखिए कि इन तीनों का डिक्शनरी में कोई अर्थ नहीं है, जबकि क्लेप्टोमेनिया का अर्थ है चोरी करने की बीमारी, जिसे चोरी करने की बीमारी हो चुकी है उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। चाहे वो लेख चुरा है, चाहे वो सामान चुरा है, उसे बोलते हैं चोरी करने की बीमारी, बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, ए वुमेन हैविंग सर्वल हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही समय में कई पतियों वाली एक महिला, एक औरत जिसके एक ही समय में कई सारे हस्बैंड हो। तो ऑप्शन इसके पोलोगेमी, ए बहुविवाह, बी पोलोलैंड्राई यानी बहुपतित्व, और पोलोनिजाइनी का अर्थ नहीं होता, और पोलो ब्लॉट का मतलब बहुभाषी। तो इसका आंसर है बी, जिसके बहुत सारे पति हो उसे कहते हैं ए वुमेन हैविंग सर्वल हस्बैंड एट द सेम टाइम, जैसे कुंती सॉरी द्रौपदी। तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, ए गवर्नमेंट रन बाय ए डिटेक्टर यानी तानाशाह इज टर्म एस, एक सरकार जो तानाशाह द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑटोक्रेसी का होता है एक तंत्र, डेमोक्रेसी का होता है जनतंत्र, जनता द्वारा चलाया गया शासन, और ओलोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र, और थियोक्रेसी यानी धर्म तंत्र, धर्म के अनुरूप चलने वाला शासन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है ऑटोक्रेसी, मतलब जो एक ही आदमी द्वारा चलाया जाए, इसे राजतंत्र नहीं कहते, इसे तानाशाह कहते हैं, राजतंत्र राज द्वारा चलाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली ऐसी बात पर पूछता है कि तानाशाह द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, या तो नहीं तो क्या इसकी ऑटोमेटिक गाड़ी, सिंपल सी बात है, आपको याद हो जाएगा, या ऑटो गियर गाड़ी जो अपने आप ही चलती है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, ए पर्सन हु हेट्स मैरिज, एक व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है, इसका ऑप्शन है ए इंटॉलरेंट असहिष्णु, मिसोगैमिस्ट यानी ए पर्सन हु हेट मैरिज, बिगेमिस्ट यानी द्विविवाह, दो जिसके दो विवाह हो वो आदमी, और गुलीबल यानी आसानी से धोखा खाने वाला। तो इसका आंसर ऑप्शन जो मैंने आपको दे रखा है कि ए पर्सन हु हेट मैरिज, व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है उसे कहता है मिसोगैमिस्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं,
सभी रोगों के लिए एक उपाय, ए रेडमी ऑफ ऑल डिजीज, रेडी मतलब होता है उपाय, उपचार और डिजीज यानी बीमारियों, सभी बीमारियों का एक उपाय। तो ऑप्शन में मेडिसिन नहीं दवा, मेडिकल स्टोर वगैरह होते हैं, मेडिका और पैनेसिया। तो पैनेसिया का तो रामबाण, संजीवनी बूटी बोलते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि रामबाण ही एक ऐसी दवा जो हर बीमारी का एक इलाज होता है। तो याद रखिए इसके लिए डॉक्टर पेन से लिखता है, पेन से हर दवाई लिखता है, इसका ऑप्शन इसका याद करने का तरीका है कि पेन के द्वारा लिखी जाने वाली बीमारी, तो पेन पी एन से पेन होता है, पी ए आई एन पेन दर्द होता है, तो पी ए एन से पेन पेंसिया यानी रामबाण इलाज। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, मोर देन एनफ इन अमाउंट ऑफ कैपेसिटी यानी अपनी क्षमता से ज्यादा रखना, निरोसराय व्यंगात्मक, एम्पिल प्रचुर, इन एडिक्वेट अपर्याप्त और लिबरल उदार। इसका अगर आंसर देखता है तो इसका आंसर एम्पिल ने प्रचुर होने के बाद भी क्षमता से अधिक रखता है, ए एम पी एल ई एम्पिल प्रचुर, प्रचुर मात्रा में है इसके पास, कमी नहीं है इस चीज की, मोर देन एनफ इन अमाउंट और कैपेसिटी, इसका आंसर एम्पल यानी प्रचुर मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ए हैंडराइटिंग बाय विच कैन नॉट बी इजिली रीड, एक लिखावट जिसको आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, डॉक्टर की डॉक्टर से मेडिसिन वाला पढ़ सकता है, नॉर्मल लोग नहीं पढ़ सकते। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इलिजिबल अस्पष्ट, लीजिएबल यानी पढ़ने योग्य, लूसिड यानी शब्द स्पष्ट अर्थ का, और इडिबल यानी खाद्य यानी खाने योग्य। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर देता हूँ कि इसका इलिजिबल यानी अस्पष्ट, जिसको ढंग से जो दिखेगा यानी उसको पढ़ेंगे क्या, तो इसका आंसर होगा इलिजिबल। ये क्वेश्चन एसएससी मोस्टली हर एग्जाम में पूछता है कि ए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड इजिली, इसका आंसर होता है इलिजिबल अस्पष्ट, इलिटरेट अनपढ़ होता है, तो इलिटरेट से बनता है इलिजिबल यानी अस्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मृत शरीर को दफनाने का एक स्थान क्या बोलते हैं उसे, ए पैलेस टू ब्यूरी डेड बॉडीज, कैटाकॉम तलघर, ट्रिप सेमेट्री कब्रिस्तान, स्पेक्युलर कब्र। याद रखिए कब्र को दफनाते हैं, कब्र में दफनाते हैं, पर कब्रिस्तान में डेड बॉडी, सॉरी कब्रिस्तान में कब्र बनाते हैं, तो जो स्थान जहां मृत शरीर को आप दफनाते हैं उसको अपन बोले सेमेट्री। तो उसको याद रखते हैं सीमेंट से कब्र बनती है, तो ए पैलेस टू ब्यूरी डेड बॉडी, एक स्थान जहां पर मृत शरीर दफनाया जाता है उसको बोलते हैं सेमेट्री। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लिविंग फॉर ईयर एंड ईयर, वर्षों वर्षों तक जीवित रहने वाला, तो इसका आंसर देखिए प्रीमिनियल चिरस्थाई, परमानेंट स्थाई, एनुअल वांशिक और कंटिन्यूस लगातार निरंतर। तो इस कंटेंस का आंसर है प्रीमियल यानी चीर स्थाई, जो लंबे समय से जिए जा रहा है उसे बोलते हैं चीर स्थाई, एक धर्म जो लंबे समय चले आ रहा है वो उसे टंगवाया नहीं है, चीर स्थाई लंबे समय से जिए जा रहा है, चाहे किसी याद भी हो चाहे उम्र में हो, इसमें ना ये कह रखा है कि वो ह्यूमन हो, कुछ भी हो सकता है, वो सजीव निर्जीव कुछ भी हो सकता है, जो लंबे समय से एक नीति चला जा रहा है। तो कंटिन्यूस का आंसर नहीं होगा, कंटिन्यू निरंतर होता है, जिसमें कभी गैप नहीं दिया, पर चीर स्थाई मतलब ये होता है कि हमेशा फिक्स है अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किलिंग ऑफ वन ब्रदर, अपने भाई की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं, मर्डर यानी सिर्फ हत्या करता है, उसमें माँ बहन सब आती है, मैट्रिसाइड यानी माँ की हत्या, एक याद रखिए कि जहाँ पर सी आई डी आता है उसका अर्थ होता है हत्या, तो मैट्रिसाइड यानी माँ की हत्या, पैट्रिसाइड यानी घात यानी भाई की हत्या, और जीनोसाइड यानी नरसंहार। तो याद रखिए ये एसएससी
मोस्ट क्वेश्चन सीआईडी से पूछता है कि सीआईडी का क्या होता है, तो सीआईडी का अर्थ होता है हत्या। तो हत्या क्या, जितने भी इसके वन वर्ड सब क्वेश्चन होते हैं वो याद कर लीजिए प्लीज प्लीज, क्योंकि एसएससी में बहुत मोस्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो मैट्रिसाइड मां की हत्या, और फैट्री यानी फैज फादर नहीं होता, फैसे बड़ा भाई के लिए कहते हैं, भात्र यानी ब्रदर की हत्या करने वाले होते हैं फैट्रीसाइड। जीनोसाइड यानी नरसंहार, यानी एक तरीके से लोगों की हत्या करता है, एक समूह की हत्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, रेनफॉल एट इरेगुलर इंटरवेल और ओकेशनली, अनियमित अंतराल पर वर्षा होना या तो कभी कभी या लगातार होना। तो इसका मतलब इरेगुलर, अनियमित, सेपरेटिक छिटपुट तरीके से, एक्सीडेंटली, आकस्मिक अचानक हो जाए, और टेम्परेरी मतलब अस्थायी। इस कंटेंस में इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर है सेपरेटिक यानी छिटपुट, हल्की फुल्की होना। ये क्वेश्चन मोस्टली सन 2013 से पहले क्वेश्चन आया था, हो सकता है ये रिपीट हो जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे हर 5 साल के अंदर, 4-5 साल के अंदर ना इसलिए जो क्वेश्चन है रिपीट करता है। याद रहे कि लास्ट ईयर से कोई सा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लास्ट 2 से 3 ईयर के बीच जो लास्ट को छोड़ के इससे पहले पेपर था वो रिपीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, कि बिना तैयारी के एक भाषण देना, जैसे नरेंद्र मोदी जी होते हैं कि वो कोई अन्ना उन्ना नहीं पढ़ते हैं, जो उनमें जो आता है वो बोलते हैं। तो ऑप्शन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सरल तरीके से, एक्सटॉम पर, अचिंतित, भरबोस, वाचल, और मिडेन यानी प्रथम। तो इसका आंसर है एक्सटेम्पोर यानी अचिंतित, बिना किसी चिंता के भाषण देना। तो इसे याद रखना है, मोदी जी एक एक्सटेम्पोर है, यानी बिना किसी चिंता के भाषण देते हैं, उनको टेंशन नहीं होती कि बाहर में क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, बिना चिंता के भाषण देते हैं, एक्सटेम्पो यानी अचिंतित तरीके से भाषण देते हैं। कुछ हम फिफ्टीन देखते हैं, समथिंग दैट बिकम आउटडेटेड, जो पुराना हो चुका है या मतलब फैशन से बाहर हो चुका है, तो ओल्ड यानी पुराना, एंशियंट यानी प्राचीन, ऑब्सोलेट यानी अप्रचलित, और यूजलेस यानी निकम्मा। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्सोलेट यानी अप्रचलित, जो इस समय प्रचलन में नहीं है। एंशियंट मतलब प्राचीन, जो काफी पुराना हो चुका है, और ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, जो इस समय फैशन में नहीं है, इस समय नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखता है, सेंसेशन ऑफ आर्म बिफोर ए फॉर्मल क्रिएटी इज साइन ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान एक औपचारिक संधि से पहले हथियारों के समाप्ति पर एक हस्ताक्षर किए जाना। तो देखते हैं इसका ऑप्शन है ए, ट्रिस यानी युद्ध विराम संधि, बी आर्मिस्टी यानी युद्ध विराम, ये तो युद्ध विराम संधि, एक युद्ध विराम, ये युद्ध विराम मतलब होता है कि युद्ध रोक दिया गया है दोनों पक्षों से, युद्ध विराम मतलब दोनों अंतराल लिया गया है युद्ध के बीच में, एकर्ड यानी समझौता, रिट्रीट यानी पीछे हटना। इस कंटेंट में इसका आंसर देता है, तो इसका आंसर है कि आर सिटिक यानी दो दोस्त, जैसे महाभारत का युद्ध होता था तो सायंकाल के बाद युद्ध रोक देते थे, जो युद्ध विराम जाता था, और युद्ध विराम संधि का मतलब हो गया कि वॉर ही एंड हो चुका है, दोनों दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है। तो इसका आंसर होगा आर्मिस्टिक, ये TICE के क्वेश्चन है जो है SSC बार बार पूछता है। तो प्लीज फ्रेंड, अगर आपके 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं तो आपको मतलब 3 नंबर आके फिक्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ए फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन डिजीज ऑफ स्किन, मतलब एक चिकित्सक जो त्वचा के रोग में माहिर है, मतलब देखा जाए तो त्वचा रोग विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, तो ऑब्स्टेट्रिशियन दाई, डर्मेटोलॉजी या त्वचा विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग, या नन ऑफ दिस, याद रखिए IGST मतलब एक विशेषज्ञ के साथ कंटेंट में आता है, डर्मेटोलॉजी कार्डियोलॉजी तो डर्मेटोलॉजी त्वचा रोग विशेषज्ञ, ये
साइंस के क्वेश्चन है, जो साइंस के विद्यार्थी है उनको जल्दी से याद हो जाता है, जो कॉमर्स और आर्ट्स में उनको टाइम लगता है। तो प्लीज़ फ्रेंड याद रखिए कि एसएससी और एमटीए सीजीएल टेन प्लस टू यूपीएससी में क्वेश्चन जरूर जरूर आते हैं, चाहे वो आर्ट्स अपने पेपर बनाया पर अगले अगले स्लॉट आ सकता है क्वेश्चन, तो आप जरूर उनको याद कीजिए। विशेषज्ञ से ये आता है कि अर्ध विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, तो अर्ध कार्डियोलॉजिस्ट पेट के रोग के विशेषज्ञ होता है, उसको गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, माथे के जो होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जी आई एस टी ये फिक्स है कि एक विशेषज्ञ होता है किसी ना किसी रोग का। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए पर्सन हु फाउंड ऑफ सेंसेशन एंजॉयमेंट, एक व्यक्ति जो आमिर ये मैंने अंका नहीं दिया, आनंद का शौकीन हो, यह समझ सकते हैं आप सब होशियार हो। इफिशियन रसिया मिट्टी यानी परिहास युक्त, हिडोनिस्ट यानी सुखवादी, ह्यूमरस यानी रस लेने वाला। इस काउंटर में इसका आंसर है हिडोनिस्ट यानी सुखवादी, जो सुख को भोगता है उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट। डिस्कस नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। ए रिलीजियस डिस्कोर्स एक धार्मिक प्रवचन को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी मरा पूछता है। प्रीच धर्म का उपदेश देना, सेंटजा छंद, सेंटोरम ग्रहग्रह और सेरमोन उपदेश देना। तो इसका आंसर है सेरमोन उपदेश देना, जो हमें सुबह सुबह पढ़ता है कि पढ़ा करो डीटो, और बात तो हमारी माँ देती है आशा, तो उसको याद रखना तरीका ये कि सर मोन यानी सर माने दे दिया, एस आई आर से एस आर सर, एम ओ एम से एम ओ एम ओ, सर मोम यानी सर माने उपदेश दिए, सर मोन का मतलब होता है उपदेश देना, वो उपदेश धार्मिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पार्ट ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर बैंक्स, तट के पीछे का एक हिस्सा लगता है, नदी के पीछे का एक हिस्सा हो सकता है। इसको देखते हैं तो इस ह्यूमस संयोग की भूमि एक आर्चिपोलोज पिलोज पिलोगो यानी द्वीप समूह, हिंटरलैंड यानी आंतरिक इलाके और स्वैम्स मतलब दलदल, सॉरी दलदलों में। इस क्वांटम में उसका आंसर देखता हूँ तो इसका आंसर हिंटरलैंड यानी इसको अगर जाते हैं देखा जाएगा हाई लैंड छुपा हुआ भाग, इसको हिंटरलैंड आंतरिक इलाके तट के पीछे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ए पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो हर किसी चीज में अच्छी बात देखता है, चाहे उसको गाड़ी से हो तो गया कोई बात नहीं, अच्छा काम किया हो सकता है, मेरे कोई गलती हो, सब सोचता है वो अपना कार्यक्रम माँ मेरे कर देते हैं। तो इसका है सीनिक निंदक, प्रेमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी और स्ट्रेन यानी अजीब। तो ऑब्वियसली अजीब तो होगा नहीं, निराशावादी भी नहीं होगा, निंदक भी नहीं होगा, निंदक की निंदा करने वाला भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑप्टिमिस्ट। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी ज़्यादा पूछता है, अगर आपने एक दो बार सीजीएल या एनटीए से एसएससी के एग्जाम दे रखा तो जरूर ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है, ऐसे भी क्वेश्चन रिपीट होता है। तो याद देखिए ऑप्टिकल यानी चश्मा पहनने वाला साफ देख सकता है, उसको याद रखना कि ऑप्टिकल पहनने यानी ऑप्टिमिस्ट यानी साफ देखने वाला आशावादी व्यक्ति, जिसको आप चाहे गाली दे दो चाहे पीट लो उसको, पर वो एक अच्छा रूप देखता है उसका। क्वेश्चन नंबर 22 है। पर्सन हु एब्स्टेन फ्रॉम द एल्कोहलिक ड्रिंक, एक व्यक्ति जो नशे से बचना चाहता है, टीट टोलर जो नशे में हो, एमबीटीएस महत्वाकांक्षी, एस्कॉर्ट फरार होना, एस्केप अलायन। तो इसका आंसर है टीट टोलर जो नशे में हो, सॉरी इसको मैंने आपको गलत निर्णय बता दिया, इसका व्यक्ति जो हमेशा नशे में हो यानी बेवड़ा, टीत तोले हैं दांतों तक जिसके दारू भरी हो उसको बोलते हैं नशे में हो टीत तोलर। वन हु
conceal his identity as a writer under assumed pen name. इसका अगर सब हिंदी में कंटेंट देखते हैं तो समझने में दिक्कत आएगी. जो एक धारण किए कलम नाम के तहत लेखक के रूप में अपनी पहचान छुपाता है, मतलब एक लेखक जो पेन के रूप में अपनी पहचान छुपाता है, इसका आंसर मुझे ढंग से नहीं पता क्या है हिंदी में. तो इसका ऑप्शन है पॉम्पियस गर्भित, प्लेगरिस्ट, साहित्यिक, चोर, PCODNM उपनाम, फिलिमिस्टिन यानी अशिक्षित. तो इस कॉन्टेंट में इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है ये PCODNM उपनाम, मतलब अपना असली नाम ना देकर उपनाम से जाना जाता है. इसका लाइन का ऑप्शन में आया कि जो अपना असली नाम ना देकर एक उपनाम के तहत पहचाना जाए, पेन नेम मतलब जो उसकी एक खास नाम हो. इसे सचिन तेंदुलकर को हम मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं, क्रिकेट मास्टर भी बोलता है, क्रिकेट मास्टर सुनील मास्टर बोलते हैं, शोएब अख्तर रावल पिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं. उनके नाम जो असली नाम ना होकर उनका एक उपनाम यानी एक पहचान हो, जिससे बोलने पर उनका नाम हाँ भाई ये शोएब अख्तर रावल पिंडी एक्सप्रेस, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे, रन मशीन विराट कोहली बोलते थे ना, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी वो सब जडेजा, ऐसे उपनाम के तहत जो राइटर होता है वो लिखता है अपना से नाम लिखेगा, एक अपना एक इनिशियल यानी उपनाम दे देता है. तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. दैट विच कैन बी इजीली डिजिट, जिसे आसानी पचा खाया है पचाया जा सके. पहला टेबल स्वादिष्ट, इंडिबल खाद्य, टेस्टलेशन फीका बिना स्वाद का, ट्राट या अलग तीखा मिर्ची हो जिसमें. तो इसका आंसर है पहला टेबल है स्वादिष्ट, खाना अच्छा और पच जाएगा, खाना बुरा लगेगा तो खाना खाएंगे ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. पर हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी और गुडनेस, जो मानव की मानवता होती है उसकी ईमानदारी और उसकी भलाई में बहुत कम विश्वास करता है, उसे क्या कहते हैं. ईगोइस्ट अहमवादी, फैटलिस्ट भाग्यवादी, सेटोइक उदासीन और सिनिक निंदक, उसे बोलते हैं हम सिनिक या निंदक, निंदा करने वाला CYNIC सिनिक. तो ये क्वेश्चन मोस्टली इससे पूछता है. तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. अगर कुछ प्रॉब्लम हो या इसका जो PDF फाइल है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसका डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट निकाल कर सेव कर सकते हैं. तो सर ये मोस्टली 25 क्वेश्चन है का पहला सेट है और SSC में मैं CGL मेंस और CPO में आ सकते हैं, क्योंकि अभी 3 महीने बाद 10+2 की वैकेंसी आने वाली है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम क्लासेस. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए. हैव अ गुड नाइट.